आज हम लगाएंगे ये पर्सोनिका मेकअप फाउंडेशन ग्लैमर एसपीएफ 15। आपको मैं सही तरीका बताऊंगी ये कैसे लगाना होता है। आप देख सकते हैं ये ट्रू मैच, ये 45, 50, 55 ऐसा कुछ आएगा, मुझे कंफर्म नहीं है कितने रुपए का आया है। आप देख सकते हैं इस पर 60 रुपये एमआरपी पड़ी हुई है। इसको लगाने के लिए सबसे पहले आप अपने फेस पर कोई सा भी लगाइए, मैं लैक्मे का लगा रही हूँ, आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी आप कॉस्टली मॉइस्चराइज़र लगाइए या आप कुछ भी लगाइए, अपना मॉइस्चराइज़र आपके पास होता है आप मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, एलोवेरा जेल होता है आप एलोवेरा जेल लगा लीजिए, ये किसी भी कंपनी का आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मैं जो लगा रही हूँ वही लगाना है या कॉस्टली लगाना है। लगाने के बाद आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इससे ये क्या होगा, ये आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो मॉइस्चराइज़र है वो आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये मॉइस्चराइज़र लगाने से क्या होता है, एक तो हमारा जो फाउंडेशन है कंसीलर है वो अच्छे से टचअप हो जाता है स्किन में, और ये अलग सा नहीं दिखता है, ऐसा नहीं लगता है कि आपने ऊपर से लेयर मेकअप की लेयर्स चढ़ाई हुई है, और ये चटकता भी नहीं है जैसे मेकअप लगा होता है तो वो चटकता है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, जो हमारी फेस की स्किन होती है वो बहुत ही पतली होती है और बहुत सेंसिटिव भी होती है, तो जो मेकअप होते हैं उनमें केमिकल्स होते हैं तो हमारी स्किन में लगते हैं, तो हमारे पिंपल्स एक्ने वगैरह निकलते हैं, किसी के रैसेज हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता है, मैं ये नहीं बोलूँगी सभी को सूट करता है या 80% लोगों को सूट नहीं करता, 50% लोगों को मेकअप सूट नहीं करते हैं। मेकअप निकालने के बाद उनके फेस पे दाने निकल आते हैं, मॉर्निंग में मेकअप किया रात में दाने निकल आए फेस पे, ऐसा होता है अक्सर होता है। तो इससे क्या होगा, जो मेकअप होंगे जब ये अच्छे से मॉइस्चराइजर जो होगा वो आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो जो मेकअप होगा वो आपकी स्किन में अंदर नहीं जाएगा, वो अच्छे से बस सेट हो जाएगा। और जब आप मेकअप निकालेंगे तो पहले आपके सबसे पहले जो आपके जो लेयर चढ़ी हुई है वो मॉइस्चराइजर की है, तो ये मॉइस्चराइजर जो होता है एक तरह का वो सेफ्टी गार्ड का काम करता है, इसीलिए आप मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई कीजिए। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद आपको फाउंडेशन लेना होगा, फिर आपको ब्लेंडर लेना है। आपको ये ब्लेंडर जो है, आप ब्लेंडर अगर आपके पास नहीं है आप स्पंज होता है उसको ले लीजिए, लेकिन आपको वो पानी से धुलना है, और पानी से धुलने के बाद वो आपको अच्छे से निचोड़ लेना है, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। पानी से होने के बाद इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ने के बाद इसको आराम से इसको ऐसे डॉट 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 डॉट, आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ, इसको ऐसे ऐसे देख, इसको ऐसे करना है। अब आप जब ये मैं अप्लाई कर लूँगी तब आप खुद देख सकते हैं कि जो स्किन का हमारा कलर होता है उससे कितना डिफरेंस होता है। अब आप देख सकते हैं, ये आप मेरी उंगली देख सकते हैं और ये देख सकते हैं मेकअप का, ऐसा नहीं है कि मेकअप छूट के हाथ में आ रहा है, ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। तो आप जब भी मेकअप करें आपको ऐसे ही करना है, ये मेकअप आपका 12 घंटे तक जैसा आपने लगाया है वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई पसीना नहीं आएगा, आप देखिए कोई पसीना नहीं आएगा, आप कितना भी फेस पर हाथ लगाएंगे तो मेकअप हटेगा नहीं। और ये सबसे सस्ता मेकअप है, आप फेस पर अप्लाई करके देखिए, पार्टी में जाने से पहले आप लगाइए, बहुत अच्छा वर्क करता है। आप एक बार अप्लाई करके देखिए फिर मुझे कमेंट कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।